नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना ऐतिहासिक पुल रविवार शाम को टूटकर गिर गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बता दें कि मोरबी का शान कहलाए जाने वाले इस पुल का इतिहास 143 साल पुराना है। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश काल के शासन के दौरान इसका निर्माण हुआ था। यह पुल मोरबी जिले का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी था। इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण मोरबी के राजा वागजी राव जी ने करवाया था। इसका उद्घाटन साल 1879 में मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा बनाए गए इस पुल के निर्माण में उस वक्त की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। पुल निर्माण का सारा सामान ब्रिटेन से मंगवाया गया था। 765 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा यह पुल करीब 3.5 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ था। यह पुल भारत की आजादी के संघर्ष का गवाह भी रहा है। यह भारत के सबसे पुराने पुलों में से एक था। बताया जाता है कि इसी पुल से मोरबी के राजा प्राजवत्सल सरवागजी ठाकुर अपने राजमहल से दरबार जाया करते थे। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका के पास आ गई। लकड़ी और तारों से बने इस पुल की अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मति कराई गई थी। मोरबी नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इस पुल की क्षमता 100 लोगों की है, लेकिन रविवार की छुट्टी की वजह से वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हादसे के वक्त पुल पर करीब 400 से 500 लोग जमा थे और यही पुल टूटने की वजह बनी। बताया जा रहा है कि पुल टूटने पर जहां लोग गिरे वहां पर 15 फीट तक पानी थी। मोरबी पुल पिछले 6 महीने से बंद थी। इसके बाद 25 अक्टूबर को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। पुल के रख रखाव की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास थी। इस ग्रुप ने इसी साल में मार्च महीने में मोरबी नगर पालिका से 15 साल के लिए एक समझौता किया था। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।